यहां पर मैंने बाय कर लिया एको डॉट फिफ्थ जनरेशन स्मार्ट स्पीकर, जो कि रिसेंटली 20-25 दिन पहले ही लॉन्च हुआ है और जिसकी प्राइसिंग रखी गई है 5,500 रुपए। पिछले कुछ दिनों से मैं इसको यूज कर रहा हूं, आपके सामने इसका एक रिव्यू देने वाला हूं, प्लस यहां पर हम कंपैरिजन भी करेंगे एको डॉट फिफ्थ जनरेशन का एको डॉट फोर्थ जनरेशन के साथ में। एको डॉट फोर्थ जनरेशन का जो प्राइस है 4,500 रुपए और इसका जो रेगुलर डेज का प्राइस है 5,500 रुपए। तो यहां पर आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि हमें 1,000 रुपए बचा के फोर्थ जनरेशन लेना चाहिए या फिर 1,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके फिफ्थ जनरेशन लेना चाहिए। तो फटाफट से वीडियो करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत, आप देख रहे हो देसी कंज्यूमर। सबसे पहले आपने बॉक्स के अंदर देख लिया होगा क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। एक एडॉप्टर मिलता है और एक हमें एको डॉट स्मार्ट स्पीकर मिलता है और यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड वगैरह मिलता है। तो 1 साल की वारंटी के साथ में आता है ये वाला स्मार्ट स्पीकर। अब यहां पर इसके फिजिकल ओवरव्यू की बात करें और साइड बाय साइड फोर्थ जनरेशन से कंपैरिजन भी करें इसके फिजिकल ओवरव्यू का, यहां पर लुक, बिल्ट, साइज, शेप, डिजाइन सब कुछ सेम देखने को मिलता है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। ऊपर की साइड पर स्पीकर ग्रिल है जिसके ऊपर एक कपड़ा लगाया गया है और 4 बटन्स दिए गए हैं। 2 वॉल्यूम कंट्रोल बटन्स हैं, एक माइक ऑन ऑफ बटन है और दूसरा रीसेट बटन है, जैसा कि फोर्थ जनरेशन में देखने को मिलता है। नीचे की साइड पर प्लास्टिक का मटेरियल है और एक रिंग लाइट दी गई है जो कि इसको अच्छी सी लुक प्रोवाइड कर रही है, और नीचे की साइड पर रबड़ का मटेरियल है इसको अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करने के लिए। लुक और बेल्ट वाइज सब कुछ सेम है, बस यहां पर एक डिफरेंस आ गया है। एको डॉट फिफ्थ जनरेशन से इन्होंने ऑक्स केबल का पोर्ट रिमूव कर दिया, यानी कि 3.5 mm जैक वाला पोर्ट रिमूव कर दिया है, लेकिन फोर्थ जनरेशन में ये वाला पोर्ट अभी भी देखने को मिलता है। तो अगर आप केबल के थ्रू इसको किसी बड़े स्पीकर से या फिर अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करके म्यूजिक प्ले करना चाहते थे तो अब आप फिफ्थ जनरेशन में तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन फोर्थ जनरेशन में अभी भी ये वाला ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर ये एक चेंज आया है, अब ऑक्स केबल का पोर्ट क्यों हटाया वो मुझे नहीं पता, छोटा सा तो पोर्ट था, रहने देते क्या ही जा रहा था। बाकी यहाँ पर दूसरी क्या इसमें नई इंप्रूवमेंट आई है उनके बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं एक चीज मान के चलता हूँ कि आपको एको डॉट स्मार्ट स्पीकर के बारे में सब कुछ पता है, अगर नहीं पता है फिर भी मैं आपको एक बार ही बता देता हूँ। एको डॉट स्मार्ट स्पीकर से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप म्यूजिक सुन सकते हो, कोई भी लैंग्वेज का कोई भी सॉन्ग फ्री में सुन सकते हो, लेकिन बीच में हल्की फुल्की एड्स आती रहेंगी। जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लाइक अलेक्सा, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अलेक्सा स्टॉप। मैथ्स की कैलकुलेशंस, फॉर्मूला वगैरह आप पूछ सकते हैं, अलेक्सा पाई की वैल्यू क्या है? पाई की अनुमानित वैल्यू है 3.14159265358। अलेक्सा स्टॉप। जोक सुन सकते हैं, अलेक्सा चुटकुला सुनाओ। चिंटू ने अपने दोस्त से कहा, यार आज जाके लगता है काश मैंने अपनी माँ की बात सुनी होती। दोस्त ने पूछा, क्या कहा था तुम्हारी माँ ने? चिंटू बोला, यार वही तो नहीं सुना। ये जोक सुन के मुझे डॉन की याद आ गई। बाकी इसके अलावा स्टोरीज, पोएम बच्चों के लिए काफी यूजफुल है, फालतू की बातें, फालतू के क्वेश्चन सब कुछ आप इससे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप इससे और भी बहुत सारी चीजें करवा सकते हैं, लाइक अगर आपके घर में कोई भी स्मार्ट प्लग, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट गीजर, स्मार्ट एसी, स्मार्ट लाइट, कुछ भी स्मार्ट है जो कि वाईफाई से ऑपरेट होता है, वो आप एको डॉट के थ्रू ऑपरेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अलेक्सा लैंप की लाइट ऑफ कर दो। ठीक है। अलेक्सा लैंप की लाइट ऑन कर दो। ठीक है। शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, बिल पेमेंट करते हैं अमेज़न के थ्रू, आप इससे इजीली करवा सकते हैं। ये सब फीचर्स आप किसी भी जनरेशन की एको डॉट से ऑपरेट कर सकते हैं। एको डॉट को पूरा सेटअप कैसे करना है अलेक्सा एप्लीकेशन के साथ में, ये चीज मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई है जिसमें मैंने एको डॉट फोर्थ जनरेशन का डिटेल रिव्यू किया है। अगर आपको जानना है तो उस वीडियो को देख लेना। तो यहाँ पर फाइनली अब बात करें जो न्यू फीचर इसमें ऐड किए हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहला फीचर है टैप एंड पॉज, टैप एंड प्ले। फॉर एग्जाम्पल, अलेक्सा चुटकुला सुनाओ। सोनू मोनू से बोला, यार मोनू सुन। मैंने इसके ऊपर टैप किया, पॉज हो गया। फोन को रात में चार्ज पे रखकर मत सोना। टैप किया था, प्ले हो गया, टैप किया, ऑफ हो गया, पॉज हो गया। तो ये इन्होंने नया फीचर ऐड किया। तो ये फीचर कब ज्यादा यूजफुल होगा, जब आपको कोई कॉल आ जाती है तो आपको इंस्टेंट म्यूजिक बंद करना है तो आप जस्ट टैप करेंगे तो पॉज हो जाएगा, और जब आपको अलार्म ऑफ करना है तब ये काफी यूजफुल रहेगा फीचर। बाकी ये जो फीचर है ठीक ठाक वर्क कर रहा है, लेकिन कई बार टैप करने पर पॉज या प्ले नहीं होता है, मतलब थोड़ा सा ना जो ये 4 बटन्स दिख रहे हैं इसके बीच में जाकर टैप करना होगा, तो प्रॉपर तरीके से करेंगे तो हो जाता है। नेक्स्ट फीचर जो इन्होंने ऐड किया है, अल्ट्रासाउंड मोशन डिटेक्शन। मतलब जो भी आपने एको डॉट से स्मार्ट बल्ब या स्मार्ट लाइट या स्मार्ट प्लग जो भी ऐड करके रखा है तो उसमें आप मोशन सेंसर वाले फीचर को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, जैसे इस लैंप में स्मार्ट बल्ब लगा हुआ है, अब यहां पर मैंने उसमें मोशन सेंसर का फीचर ऐड कर दिया।
अब क्या होगा, जैसे इस रूम में कोई भी मूवमेंट नहीं होगी तो ये वाला जो लैंप है ना ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। जैसे ही हल्की सी भी कोई से साउंड सुनाई देगी चलने की या फिर चुटकी वगैरह की, और मतलब कुछ भी बोलने की, मतलब ये सेंस कर लेगा साउंड के थ्रू, उस टाइम पर ये एकदम से लैंप ऑन हो जाएगा। तो ये मोशन सेंसर वाला फीचर इन्होंने ऐड कर दिया है। तो ये फीचर काफी यूजफुल रहने वाला है अगर आप लाइट्स वगैरह, फैन, एसी, मतलब ये सब ऑन करके छोड़ देते हैं और स्मार्ट है और आपने एको डॉट से इसको कनेक्ट किया हुआ है, तो उस टाइम पर ऑटोमेटिकली जो है सारी चीजें ऑफ कर देगा और जैसे ही आप अंदर आएंगे ऑन कर देगा। मैंने इसको टेस्ट किया, काफी सही से वर्क कर रहा है, मुझे कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली। और इस फीचर से आप अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल काफी ज्यादा सेव कर सकते हैं। थम्स अप इस फीचर के लिए। नेक्स्ट फीचर जो इन्होंने ऐड किया है वो भी मुझे काफी सही लगा, टेम्परेचर डिटेक्शन। ये वाला फीचर एसी के साथ में काफी यूजफुल रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, जैसे आपके घर में एक स्मार्ट एसी है या फिर नॉर्मल एसी है लेकिन उसको आपने स्मार्ट प्लग के थ्रू जो है करा हुआ है पूरा सेटअप, उसको आपने एको डॉट स्मार्ट स्पीकर से कनेक्ट किया हुआ है। अब यूजफुल कैसे होगा, मैं चाहता हूं कि जैसे ही मेरे रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो एसी ऑन हो जाना चाहिए। तो ये सेंस कर लेगा टेम्परेचर कि 30 डिग्री टेम्परेचर हो गया रूम का, चलो एसी ऑन कर देते हैं, ऑन हो जाएगा मेरे एसी। नेक्स्ट अब मैं चाहता हूं जैसे ही मेरे रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो जाए एसी ऑफ हो जाना चाहिए। अब एको डॉट सेंस कर लेगा कि रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो गया तो एसी को ऑफ कर देते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कितनी सही चीज हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल में कितनी सेविंग होने वाली है। लाइक रात को जब हम सोते हैं तो एसी चलता रहता है कई बारी, हाँ एसी में भी टाइमर होते हैं सेट वगैरह कर सकते हैं कि इस टाइम पे ऑन हो जाए ऑफ हो जाए, लेकिन टेम्परेचर सेंसर जैसा कुछ नहीं देखने को मिला। एसी के लिए तो ये काफी बेस्ट फीचर बोलना चाहूंगा, टेम्परेचर डिटेक्शन वाला। थम्स अप इस फीचर के लिए। तो ये तीन नए फीचर इन्होंने ऐड किए हैं। अब ये वाले फीचर्स को कैसे पूरा सेटअप करना है मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो ले आऊंगा, उस वीडियो में आप देख लेना। इस वीडियो में मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। यहां पर अब बात कर लेते हैं साउंड क्वालिटी की, उसमें कितनी इंप्रूवमेंट हुई है तो मैं आपको फोर्थ जनरेशन के एको डॉट के साथ में कंपेयर करके दिखा देता हूं, आपको अच्छे से पता चल जाए। वैसे ऑन पेपर स्पीकर साइज की बात करें तो एको डॉट फोर्थ जनरेशन में 1.6 इंच का स्पीकर है और एको डॉट फिफ्थ जनरेशन में 1.73 इंच का स्पीकर है। तो साइज में हल्का सा डिफरेंस आया है, बड़ा हो गया साइज स्पीकर का फिफ्थ जनरेशन के एको डॉट में। अब यहाँ पर साउंड क्वालिटी कैसी है वो सुन लीजिए। आपको एक अंदाजा लग गया होगा साउंड क्वालिटी में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं पता चला तो मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर 20-30% इंप्रूवमेंट हो गया साउंड क्वालिटी में। लाइक फील होता है साउंड क्वालिटी में जो चेंजेस हुए हैं। जो फोर्थ जनरेशन का एको डॉट स्मार्ट स्पीकर है उसमें बेस है लेकिन कम वॉल्यूम पर ही अच्छा खासा थोड़ा मतलब मजेदार बेस सुनाई देता है। जब इसका फुल वॉल्यूम कर देते हैं तो उसमें जो बेस है ना बहुत हद तक दब जाता है, वोकल्स और ट्रेबल्स मतलब इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड आती रहती है और ना हल्का सा नॉइजी फील लगती है। नॉइजी है मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, फील आती है ऐसी। एको डॉट फिफ्थ जनरेशन में जो साउंड क्वालिटी इन्होंने इंप्रूव करी है यहाँ पर फुल वॉल्यूम पर भी आपको बेस सुनाई देगा, मतलब फील होगा बेस, ये चीज रखी गई है। वोकल्स भी प्रॉपर आते हैं और ट्रेबल्स भी प्रॉपर है, इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड भी प्रॉपर आती है। एको डॉट फोर्थ जनरेशन में जो साउंड क्वालिटी है ना थोड़ी सी क्रिस्प हो जाती है, करारी है मतलब, लेकिन फिफ्थ जनरेशन में जो साउंड क्वालिटी है वो थोड़ी सी सॉफ्ट फील देती है, बेसी बेसी फील देती है। लेकिन यहाँ पर जो लाउडनेस है मुझे फोर्थ जनरेशन की थोड़ी सी ज्यादा लगी फिफ्थ जनरेशन के मुकाबले में। तो ये था दोनों की साउंड क्वालिटी का कंपेरिजन। अब यहाँ पर बात करें अगर आप साउंड क्वालिटी के बेसिस पे एको डॉट स्मार्ट स्पीकर चूज करना चाहते हैं, अगर आपको बेस कम चल जाएगा फुल वॉल्यूम पर, वोकल्स और ट्रेबल्स सही चाहिए तो आप डेफिनेटली एको डॉट फोर्थ जनरेशन बाय कर सकते हैं। अगर आपको एकदम सॉफ्ट साउंड चाहिए फुल वॉल्यूम पर, बेसी बेसी फील हो तो आपको एको डॉट फिफ्थ जनरेशन के साथ में जाना चाहिए। ये मैंने आपको साउंड क्वालिटी के बेसिस पे बताया, बाकी जो
पहले जो मैंने आपको फीचर्स बताए थे सारे सेम है, जो तीन न्यू फीचर्स ऐड किए हैं अगर आपको वो ज़्यादा यूजफुल लग रहे हैं, इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली फिफ्थ जनरेशन के साथ में जाना चाहिए। अब यहाँ पर बात करें कि फोर्थ जनरेशन में वो वाले फीचर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर वर्क भी कर रहे होंगे ना तो उतने बढ़िया तरीके से वर्क नहीं करेंगे जितना फिफ्थ जनरेशन में वर्क करेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं लेने से पहले, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको फोर्थ जनरेशन का एको डॉट या फिर फिफ्थ जनरेशन का एको डॉट परचेज करना चाहिए। अब अगर आप एको डॉट थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन में से कोई एक लेना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी मैंने कंपैरिजन वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आई बटन में आप देख सकते हैं। बाकी मैंने सभी बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं या फिर बाय कर सकते हैं। यहां पर करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो मिलते हैं आपसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।